ये सारा शुरू है यहाँ पर डेंजर जोन लिखाया हुआ है छत्तीसगढ़ शासन के। ये नदी है, नदी के किनारे आप देख सकते हैं अभी पहुँच चुके हैं किनारा, और ये डेंजर, और ये मंदिर है, और ये चारों तरफ पहाड़ है आप देख सकते हैं कितना ऊपर में बना हुआ है। नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ, ये मित्र लोग हैं सब, अमर भाई लोग पहुँच चुके हैं अभी सारा शुरू में है। ये नदी है देख सकते हैं कितना, वहाँ से मैं शूट कर रहा था तो उस समय का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, डेंजर जोन। अब यहाँ पर हम लोगों का वहाँ कार भी दिख रहा है सर, यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखिए वो कार वगैरह कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखेगा ये काला। यहाँ पर पानी आता है, पानी बरसात के मौसम काफ़ी भर जाता है, काफ़ी डेंजर खतरा है, यहाँ पर ऑलरेडी डेंजर लिखाया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये है यहाँ से पानी उस समय भर जाता है, तो बोल रहे हैं कुछ पर्यटक जगह लोग आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये वो मंदिर में अभी चढ़ रहे हैं सारा शुरू के उस पार, दिखा रहा हूँ नहीं आए होंगे तो, पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से, कितना डर। और अमर भाई लोग सब जा रहे हैं, ये सारा शुरू में है अभी। पत्थर को बोलते हैं सर नदी जी, वहाँ से पत्थर उस पार भी को तो नहीं जाता। अच्छा, देखिए वहाँ पर मंदिर है बीचों बीच में, खतरनाक दिखाई दे रहा है। ये सारा शुरू है, ऊपर जा रहे हैं, करवाते हैं रवि भैया के माध्यम से। यहाँ है पहाड़ है, ये दृश्य देख सकते हैं कितना खतरनाक। ये है सारा शुरू, जिला सूरजपुर में पड़ता है, ऊपर में भी मंदिर है बहुत खतरनाक। ये पहाड़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जब भी आइएगा यहाँ पर बहुत अच्छा, और यहाँ पिक्चर भी बन सकता है शूटिंग के लिए, गजब का सीन, गजब, दिल विभोर हो जाता है देखकर, मन गदगद हो जाता है। ये मंदिर, यहाँ पर पर्यटन, यहाँ का वादियाँ, यहाँ के छोटे छोटे चिड़िया हाट की आवाज़ आता है, तो बहुत सुहाना मौसम। यहाँ पर कुछ लिखाया हुआ है देख सकते हैं, आखिर में पहुँच चुके हैं यहाँ पर मंदिर में। यहाँ पर चारों तरफ से नारियल लगा हुआ है, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और यहाँ पर फोटो भी सीन होगा देख सकते हैं, यहाँ से सीन कितना खतरनाक दिख रहा है, देखिए यहाँ से सारा शुरू का दृश्य, ये नज़ारा। देखिए इधर का इलाका आप देख सकते हैं, पानी कितना गहरा दिखाई दे रहा है, इधर भी पहाड़ है, और पहाड़ से किनारे से आप देख सकते हैं इधर है मछली, शायद होगा बड़ा बड़ा मछली। अब यहाँ पर तीन चार दफ़ा घटित भी हो गए, खतरा जगह है कह सकते हैं, पत्थर चारों तरफ से, और ये मंदिर है, मंदिर इतना खतरनाक, इतना गजब का जगह, मजबूत जगह में बना हुआ है, अपने आप में ये दृश्य है। और यहाँ पर ये मंदिर भोलेनाथ का है, और भोलेनाथ के अभी तक इतिहास पता नहीं है कब बना, लेकिन ये कह सकते हैं यहाँ पर आशीर्वाद जो भी लेना तो मन्नत जरूर पूरा होता है। तो दोस्त लोग, यंग लोग सब आए हैं, अपना आशीर्वाद ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, नारियल भी लगा है चारों तरफ से। भगवान भोलेनाथ का मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान इन साल जो भी लक्ष्य रखा हूँ वो पहुँचाए, एक नारियल चढ़ाना है अभी आकर के। तो दोस्तों कहाँ कहाँ से आए सर? सब हमारे ग्रुप वाले हैं जी सर, जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये मंदिर है, ये देख सकते हैं, पूरा दिखाएंगे आपको। नीचे तरफ आते हैं, ये दूसरे पत्थर फेंकते हैं, कहाँ पर पत्थर नहीं फेंकते हैं अगर डुप्लीकेट हों वो लोग। तो कहना चाहिए पवित्र है, भगवान खुश रहते तो। रवि भैया कहाँ चलते हैं? इधर कुछ गर्ल्स लोग आए हुए हैं, जेंट्स लोग भी आए हुए हैं, और यहाँ पर देखिए पहुँचे गए कहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पत्थर बहुत दूर लग रहा है, बहुत दूर है, ये पत्थर है। रवि भाई लोग बोल रहे हैं कि पत्थर फेंकना है, और यहाँ तक दूरी है, वहाँ से पत्थर नहीं फेंक, नहीं पहुँच पाता है। आज तक किसी का पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? पहुँचा, सुनने में तो ऐसे आ रहा है सर। अच्छा, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि 10 मीटर की दूरी पे है। आज तो पहुँचाइए, देखते हैं वीडियो में क्या होता है, पहुँच पाता है कि सिलेंडर बोल देते हैं। जी जी, अच्छा लोकल हैं सारा शोरों के ही भैया थान? अच्छा, यहीं का बोल दिए तो मैं सोच रहा कि थाने सारा शुरू की है। चलिए पहाड़ को मैं दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ कितना गजब का दिख रहा है। और यहाँ पर ये दृश्य देखा, मछली मिलता है दादा? हेलो, मछली मिलता है वहाँ पे? मिलता है? कौन कौन सा मछली मिलता है भाई? अच्छा, मिल जाता है, पकड़े हैं का? दिखाई तो नहीं, ये सुनिए, वो मछली वाले बता रहे हैं कि पार हो जाता है कह रहे हैं। ये पहाड़ी दृश्य, हाँ सर, बोल दीजिए कि अमर भाई, हाँ अमर भाई फेंक रहे हैं, अभी पत्थर पहुंचता है कि नहीं देखते हैं किसने कितने एकदम। ओहो, पानी में पड़ेगा तो पता चल जाएगा, उधर दिख रहा है
पहुंचा कि नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच पाया, वो सरेंडर बोल दिए। ये बड़ा बड़ा घाटियाँ, श्रृंखला है, पहाड़ है, सारा सुरू का नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी ठंडा के मौसम में पहुंचे हुए हैं, पहाड़ हैं, ये दोस्त लोग हैं, सभी देख सकते हैं वीडियो में कवरेज होता हुआ। बहुत बढ़िया सुहावना ये परिदृश्य, ये नजाकत। रवि पार कर दिए हैं, बिल्कुल भगवान आपको सक्सेस ऊपर, आप समझ लीजिए कि ऊपर सक्सेस के रास्ता में चढ़ चुके हैं, पहला सीढ़ी है ना। तो यहाँ पर हंसी मजाक चिटकुली करते हुए सभी मित्रगण एक अभी सारा शोरूम में हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आना चाहें तो जरूर आइएगा, इस तरीके का बहुमूल्य समय बहुत कम मिल पाता है। हमारे साथ बन रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं अमर भैया, तो पूछ रहे हैं कि कैसे लग रहा है आने के बाद, बताइए सर। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे मेरा थर्ड बार है जी, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है पूरे हम लोग यहाँ एक भाई का बर्थडे था, तो बर्थडे वहीं पे मनाने आए हुए हैं। विश कर देते हैं, क्या नाम है भैया के? रमन सिंह है। रमन सिंह, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए सर। यहाँ के वहाँ रहते हैं जो क्या बोलते हैं गोविंदपुर, हाँ तो विश कर दीजिए, विश कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे भाई रमन भाई, हाँ सभी सौ साल, 1100 साल चेहरे में गुलाब के फूल की तरह मुस्कान खिले रहे, डीजे में डांस करें, आपके घर परिवार आपके जो तमन्ना हसरत है यूं ही चलता रहे, हमको पार्टी में बुलाते रहे, हर साल जन्मदिन मनाते रहे, आपके जिंदगी में जो भी नया आप लक्ष्य देखें वहां तक पहुंचे। यीशु ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे टुडे एंड सारा सोरो विजिट एंड ऑल फ्रेंड गेस्टर टू एंजॉयमेंट सो प्लेस। बहुत अच्छा लग रहा है जी जी, नहीं हिंदी में नहीं सर, हम लोग कितने आदमी आपको मालूम नहीं होगा सर, कम से कम 400 आए हैं जी, 400 का आशीर्वाद लगेगा सर, एक एक वर्ष भी अगर 40 लोग का अगर उम्र लग दे, 40 प्लस हो जाएगा सर उम्र। बताइए सर, वेलकम सर। ब्रिज भैया से, मैं ब्रिज मोहन जी, मेरा तो मतलब दो बार आ गया हूँ जी जी, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ अच्छा लगता है बताइए कारण। शांत वातावरण जी, शांत नहीं है लेकिन यहाँ से लगता है, यहाँ से। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर पत्थर फेंक रहे हैं सब मित्र गौड़ लोग, क्या स्थिति है? और यहाँ पर आप फेंक दिए हैं, रुक जाइए। ओहो, थोड़ा सा कोशिश कर दिए रहते तो हो जाता। सर लगा दिए हैं, अभी लगता है छक्का लगा दिए, 4 रन मिल सकता है। वाह सर, कंग्रेचुलेशन सर। यहाँ बोलते हैं सर कि वहाँ नहीं जाता है, लेकिन आप तो पार कर दिए। अच्छा, दम लगा के फेंकते फिर भी पार नहीं होता सर। चलिए ठीक है जी, नसीब हो गया। अच्छा पार हो गया, वो खुश किस्मत वाला। अच्छा ऐसे बात है, मान्यता है सर।